हेलो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं केला का पकौड़ा। तो केला का पकौड़ा बनाने के लिए हमने सबसे पहले केला को 5 से 7 केला को उबाल लिया, कुकर में डाल करके 2-4 सीटी लगा लिया और इसका हमने छिलका उतार लिया। छिलका उतारने के बाद हमने लिया ये आधा कटोरी बेसन, नमक स्वाद अनुसार, और ये लाल मिर्ची आधी चम्मच, और आधी चम्मच हमने ये हल्दी पाउडर, और लिया हमने ये 1 चम्मच जीरा, काली मिर्च और लहसुन का पेस्ट। तो इसमें डालेंगे, सबको अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह हम सबको मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और ऐसे ही मैश करेंगे। तो हमने देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं डाला और ऐसे ही मैश किया। अच्छी तरह मैश कर लेंगे इसे। मैश करने के बाद हम इसे छोटी छोटी लोई ले लेंगे। छोटी छोटी लोई ले करके इसे गोल बना करके फिर हम चपटा शेप में बना लेंगे। ऐसे ही हम सारे पकौड़े को बना लेंगे। इस टाइप से हम सबको बना लेंगे। हमने सारे को पकौड़े को चपटा शेप में दे दिया है और इसे अब हम फ्राई करेंगे। तो आइए हम फ्राई करते हैं। हमने एक पैन को गर्म किया और उसमें रिफाइंड ऑयल डाला और इसे गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद हम इस पकौड़ा को बड़ा को इसमें डालेंगे। सारे पकौड़ों को डाल दें। फिर हम फ्राई करेंगे हल्के आंच पे। हल्के आंचों पे हम हल्के यहाँ तो सब ही फ्राई करेंगे क्योंकि ये अंदर तक सीजेगा, तो अंदर कच्चा रह जाएगा, ऊपर से ही सिक जाएगा। इसलिए हम हल्के आंचों पे ही इसे फ्राई करेंगे। बीच बीच से इसे नीचे से निकाल देंगे, सटे नहीं। तो एक तरफ की मेरी पकौड़ा सीझ चुकी है, तो हम दूसरे तरफ से पलट देंगे। सबको हम पलट देंगे। और दूसरे तरफ भी हम ऐसे ही पका लेंगे। तो पकौड़ा मेरा रेडी हो चुका है। अब इसे हम निकालते हैं किसी बर्तन में और ये निकाल कर दिखाते हैं। तो पकौड़ा परोसने के लिए हमने एक लिया हाफ प्लेट और इसमें हम निकालते हैं कच्चे केले की पकौड़ा। वाओ, कितना टेस्टी दिख रहा है। बहुत ही लाजवाब दिख रहा है, बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी भी दिख रहा है। ठीक है, मेरा केला का पकौड़ा रेडी हो चुका है। ठीक है।
तो अभी जरूर एक बार ट्राई करें और बताएं कि कैसा बना है। बाय।